What is this? What is this? What is this place? It's the monument of Ismail Somoni. Ismail Somoni is our king. King? Our king, yeah. Ah, you have king here? Of Tajikistan. Now? Not now. Not now. Before? Many years ago. Many years ago, the king. Good morning guys and welcome back to the channel. So, kaise ho aap log? एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं आ गया हूँ दुसांबे में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं अपने अपार्टमेंट आ गया था, आज बाहर निकला हूँ, क्योंकि किसी भी देश में आने से पहले वहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक लोकल सिम कार्ड और लोकल करेंसी। यहाँ की जो लोकल करेंसी है उसके नाम है तजिक सोमोनी, सोमोनी जैसे भी आप बोल लो, सोमोनी। तो ये भाई साहब जा रहे हैं पैसे निकालने के लिए। तजिक सोमोनी जब पिछली बार आया था तो थोड़ा कम था, मतलब $1 अराउंड 10 तजिक सोमोनी तक, जो कि काफ़ी इजी होता है याद करने में। तो एक तजिक सोमोनी हो गया 7 रुपये के आसपास। यहाँ पे आईफोन स्टोर वगैरह है। क्या कर रहे हो दोनों अंदर? क्या कर रहे हो दोनों अंदर? कितने पैसे निकाल रहे हो? कितने पैसे निकाल रहे हो? यहाँ पे डॉलर भी निकल रहे हैं। हाँ हाँ निकलते हैं यहाँ पे डॉलर। कितने? 2000 निकाल रहे हो? यस ओके ओके ठीक है। कितने हो गए? 2000 हो गए, 14,000 रुपये के आसपास इंडियन रुपीज़ में। 14, 15, 13 अब रेट डिफरेंट करके, कि जो मैं रेट बता रहा हूँ मुझे याद है पिछला रेट जब मैं 2 साल पहले यहाँ पर आया था, यहाँ पर मैं 2 साल पहले आ चुका हूँ, 2019 के दिसंबर में मैं यहाँ पे आया था। एक महीने इस कंट्री में रहा था, मैंने पमीर किया था। हालांकि इस ट्रिप में हो सकता है पमीर नहीं होगा, बहुत चांसेस है कि पमीर नहीं होने वाला है, उसका जो मेन रीज़न है, हो सकेगा किसी, जब घर जाऊँगा तो आराम से बैठ के बताऊँगा। कल ब्रेडन भी आ रहा है और आपको अगर याद हो तो सेल्वी भी आ रही है, तो हम तीनों का ये ट्रिप था साथ। थोड़ी हवा चल रही है, ओहो क्या शानदार मौसम हो रखा है, क्या शानदार हवा चल रही है अभी। ये है भाई, मुझे ना ये सिटी काफ़ी प्यारी सी लगी, काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस सिटी में, और ऑफ कोर्स चाइना का बहुत बड़ा हाथ है इस सिटी में। चाइना ने काफ़ी यहाँ पे रुपए डाले हैं, हर कंट्री की तरह यहाँ जो सामने में भी काफ़ी सारे रुपये डाले हैं चाइना ने। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है आप हर जगह देखोगे, वहाँ जगह दिख पा रहा होगा आपको, ये देख सकते हो कि चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन है, चाइनीज में सब कुछ लिखा हुआ है, आई मीन मंदरिन में, चाइनीज़ कुछ होता नहीं, सब कुछ मंदरिन में लिखा हुआ है। तो ये है भाई मंदरिन में, और ये सिटी काइंड ऑफ दुबई बनना चाहती है, इसलिए आपको हर जगह अच्छे अच्छे यहाँ पे कार दिख जाएंगे। जनरली एक्सपोर्ट कंट्रीज में उतने अच्छे कार नहीं दिखते, बट यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और इन लोगों ने पैसे भी निकाल लिए हैं। 13,246 कितने निकले? 13,000 को डिवाइड कर 3,000 से, 3,000 दो निकाला, 2,000 अबे 3,000 को डिवाइड कर ना 13,000 से, 6,000 ही हो गए, 2,000 निकाला ना, 13,246 डिवाइडेड बाय 3, 6,600 हो गए, डिवाइडेड बाय 3, 3,000 अबे 2,000 भाई यार, 2,000 निकाला यार, हां सॉरी 13,000 300 डिवाइडेड बाय 2,000 क्या रेट है? 6.65 रेट गिर गया अभी, रेट गिर गया, जब मैं आया था 7 कुछ के आसपास था, 7.12 के आसपास था, अब 6.65 हो गया है, रेट काफ़ी गिर गया है भाई। जैसे ही पैसे निकाले भाई, ये देखो कितनी तेज़ आंधी चलने लगी यार, ये देख रहे हो खतरनाक आंधी चल रही है यहाँ पे, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। ये बहन का स्टाइल देखो, एकदम कान में यहाँ पे लगा ली और बातें किए जा रही है, खतरनाक लेवल की यहाँ पे आंधी है, खतरनाक लेवल की। पहला दिन ही है यहाँ पे ताशकंद बोल रहा हूँ ताजिकिस्तान में, खतरनाक लेवल की आंधी जा रही है, बट ठीक है, थोड़ी आँख में बड़ी धूल आ गया है। ये है भाई आंधी देखो, ओ भाई रुक जा भाई, इतनी आंधी देख रहे हो, लोग परेशान हैं यहाँ पर। ये देखो भाई गिरने लगा, ये आते ही आंधी में फंस गया, वो लग गई यार, देखो लग गई, किसे लगी? वो डाली लग गई पीछे यार। बच गए है, टूट गई, भाग जाओ यार भाग जाओ, की कमर टूट गई पहले दिन ही पता जी कितना। ओ देखो भाई वो देखो भाग गया, डर लग रहा है मुझे अब तो, पेड़ गिर जाएगा यार, साइड में चलो साइड में चलो यार, पेड़ गिर जाएगा, देखो मेरे सामने पेड़ गिरा है यार, देखो अबे डाली गिरी है, पेड़ गिर गया डाली वही है ऑलमोस्ट, आधा पेड़ गिर गया देखो, ओहो सलाम, ओके भाग जाओ इधर से, चल लो इधर छोटे हैं, मैं पेड़ बोल रहा था, डाल गिर गया।
मैं वहाँ से पास हो रहा था, इन लोगों ने कहा कि मैं आपको खाने की प्लेस दिखा सकती हूँ। मैंने कहा चलो दिखा देना। ये काफ़ी तेज अभी भी आंधी चली जा रही है। ओ भाई देख रहे हो क्या कितनी आंधी चल रही है। पता नहीं कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, इतनी खतरनाक आंधी चल रही है। चलो ऐसे इन लोगों से नाम पूछते हैं। व्हाट्स योर नेम? रोबिया। कमारा रोबिया। यू आर फ्रॉम तजिकिस्तान? हाँ। वो अर दिसम्बे दिसम्बे यू स्पीक रशियन और तजिक? फारसी बोला थी? नो बोला थी फारसी नो बोला थी। लोगों को यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती यार। तजिक यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, मतलब फारसी ही होती है, इन लोगों को नहीं आती। वाह भाई, यू डोंट स्पीक तजिक? वी स्पीक तजिक, रशियन, अ लिटिल बिट इंग्लिश, बट नॉट फारसी। फारसी तजिक सेम सेम? नो, अ लिटिल बिट, नॉट सेम, टोटली सेम? नो। हाँ, सो लाइक हाउ डू यू से, डू यू स्पीक तजिक? हाउ डू यू से? गुड। नो नो, हाउ डू यू से आस्क समवन, डू यू स्पीक तजिक? Yeah. How do you ask? Tajik Baladi? I don't understand you. I don't understand. Okay, how do you say thank you in Tajik? Is Tajik? Rahmat. Rahmat. Welcome. Khushamadid. Khushamadid, ah, same word, okay. Khushamadid. And hello. Assalam. Assalam. Yeah. And nice to meet you. Oh, it's a long word. Long word. Okay. Khush hastam. Kak? बजदानातम खुशतम। एक बात आपको बता दूँ, यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ सिमिलर वर्ड्स। आई एम फ्रॉम इंडिया एंड वी हैव अ लॉट ऑफ सिमिलर वर्ड्स लाइक मुसाफिर, मुसाफिर मेहमान, मेहमान मुसाफिर, कायदा कानून, कागज कलम। नो नो, ये भाई फारसी में मिलता है, फिर इस लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस है यहाँ। ओ भाई साहब, अभी जस्ट इधर से एक ये खतरनाक का वो आया। What is this? What is this? What is this place? It's a monument of Ismail Samoni. Ismail Samoni? Is our king. King? Our king, yeah. Ah, you have king here? Of Tajikistan. Now? Not now. Before? Many years ago. Many years ago, the king. That's why the symbol of Tajikistan. Wow. Ah. So that thing on the top burns or no? On the top thing? What is it's thing in his hand? I don't know. And it's corona. Corona? Like a king, corona. Yeah. It is clear gold. Just gold, that is? Gold? Yeah. Can I take it? And in his hand, too. Achha, ye to upar wala gold hai. Bhai, in logon se kaafi information le raha hu main. ये जो बता रही है इसका किंग है, ठीक है? हेलो, किंग ऑफ तजिकिस्तान। या एंड जो उसके ऊपर जो है वो सोना का बना हुआ है, पूरा सोना। दिस इज प्योर गोल्ड? व्हाट, दिस इज प्योर गोल्ड? या यू कैन कम इन टुनाइट एंड ऑल तजिक्स वांट टू ईट। या ऑल तजिक्स वांट टू ईट। थैंक यू वेरी मच। इस कैसे बोलते हैं? रहमत, खुशामदीद। रहमत, ओके, नॉट खुशामदीद, रहमत। अरे पता है, मैंने फारसी वाला थी। अरे तजिक डिफरेंट है, मुझे लगा सेम होगा। इट्स डिफरेंट देन फारसी। हां, आई लॉट ऑफ डिफरेंसेस, ऑलमोस्ट सिमिलर। नो, बट मेहमान इज मेहमान। या मुसाफिर, मेहमान, मुसाफिर, मुसाफिर इज द सेम इन ईरान, मुसाफिर, मुसाफिर। अरे लाल है, कैसे जा रहा है सब? कुछ जा कहाँ जा रहे हैं? तो आज का दिन कुछ खास नहीं रहा, यहाँ पर आया, सिम कार्ड लिया। सिम कार्ड का बताना भूल ही गया था। सिम कार्ड कितने की पड़ी? अराउंड 23, ब्लेस यू, अराउंड 2300 रुपये की दो सिम कार्ड मिली। 2300 रुपये में यूट्यूब अनलिमिटेड है। अब उसने ये नहीं कहा कि यूट्यूब अपलोड अनलिमिटेड है या नहीं, पता है? आई होप अपलोड अनलिमिटेड हो, किसने तो सारे वीडियो अपलोड कर रही है। मेरे पास सारे वीडियो अपलोडेड अभी है नहीं, तो अगर YouTube अपलोडेड होगा तो सही रहेगा। पर हमारे अपार्टमेंट का वाईफाई बहुत ही फास्ट है, मतलब इतना फास्ट कि मेरा फ़ोन फाड़ दे रहा है। कुछ ज़्यादा यहाँ पे मैंने कहा था चल रहे हैं ये 6GB। अरे यहाँ पर जो नॉर्मल इंटरनेट है काफ़ी फास्ट लगा मुझे। डाउनलोडिंग स्पीड थी 85 के आसपास और अपलोडिंग स्पीड थी 40 MBPS के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। लेकिन अपने घर का जाओगे तो अराउंड 1 MBPS पर 1 MBPS वो शो करता है, बट अगर तुम एक्चुअल में अपलोड करोगे यूट्यूब में तो बहुत स्लो हो जाता है। और तीन चार बंदे यूज़ कर रहे हैं फिर तो। हाँ, तीन चार बंदे यूज, तीन ही है, चार कहाँ। कल एक और बंदा आने वाला है, कल दो आने वाला है, और ब्रिटेन और सेल्फी दोनों आएगी।
तो पता नहीं कितने लोग यूज़ करेंगे, तो इस थोड़ा स्लो हो ही जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने सिम कार्ड ले लिया, 2300 रुपये का सिम कार्ड पड़ा, दो सिम कार्ड, एक सिम कार्ड हो गया 1250 रुपये के आसपास का, उसमें 10 GB इंटरनेट मिला है, यूट्यूब, व्हाट्सअप नहीं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम फ्री अनलिमिटेड है। यूट्यूब मनी नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब फ्री अनलिमिटेड है ना? बोला तो है, ऐसी सिम मेरे को एक बार आर्मेनिया में दी थी, फेसबुक अनलिमिटेड, तेरे को याद है वो एक एयरटेल में फेसबुक के साथ फेसबुक? अरे हाँ, आप लोगों में से किसी ने यूज किया है वो *555 करके जो फेसबुक यूज किया है किसी ने? बिना उसे फोटो अपलोड नहीं होती थी? अरे फोटो ने वो नोकिया में यूज किया ना, मजे आते थे, मजे आते हैं उसमें, सिर्फ व्हाट्सएप अपडेट मैसेज कर लो किसी को, वो सही था। और फेसबुक ने एक सर्विस भी निकाली थी ना, अच्छा, आप मैसेज करके अपना स्टेटस अपडेट कर, हाँ मैसेज करके, तो उसके लिए मुझे याद है साथ 1 रुपये देते थे 24 घंटों के, हाँ 24 घंटे का 1 रुपये, 1 रुपये, हाँ मस्त था वो सर, अनलिमिटेड फेसबुक अनलिमिटेड क्या, थोड़े थोड़े को सो ही नहीं कर रहा ये सही है। बट यहाँ पे इंटरनेट बहुत सारे कंट्री है, इस कंट्री के मुकाबले बहुत महंगा है, जॉर्जिया में काफ़ी सस्ता था, यहाँ पे थोड़ा महंगा है। चलो जॉर्जिया में मैंने अनलिमिटेड लिया था, 1200 रुपये में अनलिमिटेड, एक महीना सब कुछ अनलिमिटेड, मतलब यूट्यूब सच में अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड था, मैंने वीडियो डाउनलोड की थी वहाँ से, अपलोड की थी वहाँ से। और स्पीड कैसी? स्पीड ठीक ठाक थी, मतलब 40-50-60 MBPS/s थी, तो ठीक है उतना नहीं है। तो बाकी आज चलता हूँ घर, वीडियो ऑफकोर्स पूरी नहीं होगी, तो ये वीडियो कल से कंटिन्यू करते हैं, कल सुबह से, कल सुबह सुबह घर भी दिखा दूंगा कैसा घर है हमारा, तो कल मिलते हैं। तो गाइज गुड मॉर्निंग सर, कल शाम को मैं यहाँ पे आके सो गया था, और आज 2 दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली, 2 दिनों के पहले ब्रेडन आए, सेल्बी आए, उनके साथ थोड़ा यहाँ समय बिताया, वीडियोज़ वगैरह कुछ नहीं बना रहा था यहाँ पर। लेकिन आपको जाने से पहले एक बार मैं अपना अपार्टमेंट दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने कहा था कि आपको मैं अपार्टमेंट आज दिखाने वाला हूँ। मतलब जैसे कि आप स्टार्ट करोगे, तो हमारा काइंड ऑफ ऐसा रूम था, ये बहुत सारा बड़ा बेड, 4 लोगों का बेड था भाई यहाँ पे सोने के लिए, बट मोस्ट ऑफ पीपल यहीं सो जाते थे। हालांकि एक रूम भी था, थोड़ा बाहर से कुछ नज़ारा दिख रहा है, बालकनी अच्छा था यहाँ पे, उतना भी बेहतर नहीं बट ठीक ठाक था। मैंने अपना बैग पैक कर रखा है, छोटा सा टेबल था यहाँ पे, बड़ा ही सा था, ये बहुत बड़ा सोफ़ा, ये काइंड कॉमन हॉल था। बोधा कम ओपन, बोधा नियत बोधा, देन बोधा ओपन एट नाइट, नोबडी नोस। उसके बाद ये किचन था भाई, किचन काफ़ी गंदा फैला रखा है, किचन का मैं नहीं दिखा रहा, बहुत बड़ा किचन है ये। और एक और यहाँ पे रूम था, ये एक रूम था, और बस यही था भाई आज का, ऐसा ही दिखता था। एक्चुअली हुआ क्या ना कि यहाँ पे 2 दिनों से पानी नहीं आ रहा था भाई, क्या हालत ख़राब हो गई थी, पानी यहाँ पे आ ही नहीं रहा था, तो सब ट्राई कर रहे थे पानी क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं आ रहा, और किसी ने गलती से ना नल छोड़ दिया खुला, और रात को पानी अचानक से आ गया, अचानक से पानी आया तो क्या हुआ कि ऑलमोस्ट बाथरूम में बाढ़ आ गई, बाढ़ तो ऐसा कुछ हुआ था भाई। बोल रही थी क्या हुआ, ये साफ़ करने के लिए आई है, उसी के बारे में पूछ रही थी कि गंद इतना पानी कैसे हो गया। मैंने कहा भाई क्या कर सकते हैं, अब हम लोग बिना एडजस्ट किया ना, मतलब बिना 2 दिनों तक बिना पानी की रहा भाई, 2 दिनों तक बिना पानी की रहूँ, पानी चलो पीने वाले हो जाता, लेकिन भाई कुछ करने के लिए पानी चाहिए नहीं था। अगर मुझे कुछ भी लगी होती तो मैं जाता था बाहर वाले एक रेस्टोरेंट में, वहाँ हुक्का प्लेस है, वहीं पर जाता जाके मैं कुछ करता था भाई। ये इतनी बुरी हालत थी। वैसे अगली वीडियो में आपको बता दूँ कि स्टार्ट करेंगे हम लोग एक रोड ट्रिप तजिकिस्तान के थ्रू, हो सके पमीर भी जाएंगे, पमीर की अभी कन्फर्मेशन मिली नहीं है, बट पमीर भी जा सकते हैं। यहाँ से जो अब आज जो जा रहे हैं वो हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ तजिकिस्तान, किर्गिस्तान बॉर्डर तक जाएंगे, और वो सारी सारी बातें आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मेरा नॉमेंट शुभम इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो करो, अगर आप मुझे फॉलो कर चुके होगे, अगर आपने मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रखा होगा तो आपको पूरी तजिकिस्तान सीरीज के बारे में ऑलरेडी पता होगा। फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।